हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने यहाँ गांव में चूल्हे पे रोटियां कैसे बनाई जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हो, यहाँ पे ये आग लग रही है नीचे। बॉडी आग लगे तो नहीं, ये सामने बैठा है। और ये चपाती डाली हुई है अंदर, ये लकड़ियाँ पड़ी है जो अंदर डाल के चलाते हैं। अभी ये खेत में मधुमक्खी का छत्ता दिखा है, उसे शहद निकालने के लिए जा रहा हूँ। ये देखो, ये उफला है जिसमें खीरे डाल रखे, इससे इसके धुएं से मधुमक्खियाँ अंधी हो जाएगी मतलब उसमें कुछ दिखेगा नहीं। और ये भगोला लेके जा रहा हूँ जिसमें शहद डालूंगा। वहाँ पे मम्मी वम्मी सब है आज देख दिखाता हूँ आपको कैसे मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते हैं। मक्खी खाएगी ना भाई सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है शहद का। ओ खा गई भाई, तुम्हारे साथ भाई के साथ पोपट हो चुका है गया था शहद खाने, लेकिन वहाँ इतना छोटा सा छत्ता निकला है, कुछ नहीं मिला इसमें। आज ये मेरी पानी की बोरिंग खराब हो चुकी है, तो पंप बाहर निकाल रहे हैं पानी की बोरिंग से। ये पूरे सेना लगी पड़ी है, देख सकते हो। मैं भी आपको ढंग से दिखा रहा हूँ, जोर लगा के है ऐसा लगाओ, दम लगाओ, दम लगाओ भाई, खींचो 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 भाई खींचो। अभी तक 300 फुट जमीन से बाहर निकाल चुके हैं और पाइप बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, यहाँ आ तक नहीं रहा, इतना लंबा पाइप हो चुका है। स्टाफ भी बहुत थक चुका है, पसीना टपक रहा है सबके। और ये पंप बाहर आ चुका है, देख सकते हो, जो पानी पानी की मोटर है जो पानी बाहर बहती है, करीब 300 फुट अंदर से बाहर निकाला है अभी। उड़ारे लोग गोल गोल पानी खेल रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं सबके सब। ये ऐसे घूम रहे गोल गोल। होली आ गई है, होली का त्योहार मना रहे हैं ये सभी लोग। सबने भांग पी ली, ऐसा लग रहा है।